राकेश टिकैत जी नमस्कार प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ तो कोई नदी नहीं, नहर नहीं, यहाँ तो सिर्फ आप ही आप थे और आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल था और अखिलेश भैया थे। ये आपकी नैया कौन से पानी में डूब गई? मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, हम चुनाव लड़ रहे? अभी तक लड़े ही नहीं आप। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं। तो आंदोलन विफल हो गया? आंदोलन कोई ढिलाई बरती नहीं, आंदोलन विफल हो गया? क्यों हो गया विफल तो बता दीजिए। ये बीजेपी को उखाड़ने हराने निकले थे तो ये इसका क्या हुआ? तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद। ये बीजेपी को उखाड़ने हराने निकले थे तो ये इसका क्या हुआ? ये आंदोलन की क्या हुआ? हार हो गई? ये पंजाब में भी बता दो, पंजाब में भी बता दो। भाई साहब, पंजाब में तो कांग्रेस आंदोलन के साथ थी। पंजाब में तो आंदोलन कांग्रेस के साथ थी, लेकिन आप लेकिन वहाँ कांग्रेस भी हार गई और पंजाब में तो बीजेपी का कुछ था। मूवमेंट के लोग, राकेश टिकैत जी, आप ट्रैक्टर के ऊपर बिठाकर हमको कितना सेल कराओगे? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बताइए ना। तेरा बाप आया। क्यों क्यों? मतलब मैं सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूछ रही हूँ, इसीलिए। क्या देश में एमएसपी क्यों? ये आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश का था क्या? चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है? चुनाव तो पूरे प्रदेश में, 5 स्टेट में होगा। अच्छा, 5 स्टेट में से 4 स्टेट तो बीजेपी जीत रही है। आप बताइए हमारा मणिपुर में भी था आपका आंदोलन, बीजेपी गोवा में भी था। बीजेपी जीत रही है तो एमएसपी पे का, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में है ना, पूरे देश में अब एमएसपी कानून को लागू करवा दो। राहुल, लागू करवा दो ना, आप जीत गए। जवाब तो है तो नहीं। बिजली के रेट अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने टिकैत साहब आप लोगों को आंदोलन जीवी बुलाया था, जवाब सब है हमारे पास। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वो लोगों की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये फार्म लॉ लाए। आप लोगों ने उनके खिलाफ एकदम एक बड़ा सा आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं ले लेता हूं वापस, नुकसान फार्मर्स का होगा। और आज की डेट में आप लोगों की बात ना वेस्टर्न यूपी में, ना आप उत्तराखंड में के तराई इलाके में, ना भाई साहब गोवा में, ना कहीं और, कोई नहीं सुन रहा। नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी आगे है। तो आप मुझे बताइए, आप फसलों के रेट ठीक मिल गए? फसलों के वो तो पहले से ही मिल रहे थे। एमएसपी पे इतना बड़ा ट्रैक्टर आपने चलाया, वो तो पहले से ही मिल रहे थे टिकैत साहब। एमएसपी कभी बंद नहीं हुई। एक बात बताओ, कोई अपनी बात कहना देश में अपराध है क्या? आर यू कॉमेडी मी? टिकैत साहब, आपने बोला कि 700 किसान मारे गए, आपने बोला 700 किसानों का निधन हुआ, आपने बोला मोदी ने उनका नहीं उनकी मोदी है रिस्पॉन्सिबल उनके निधन के लिए। जनता ने आपकी बात नहीं मानी। आप जाके कैंपेनिंग किए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं हुआ। खत्म, बाय बाय टाटा। क्यों नहीं हुआ भाई साहब, आपके घर में क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा तो हम क्या करें भाई, नहीं हुआ होगा। अरे नहीं हुआ इसका मतलब, इसका मतलब टिकैत साहब, आप अपना आप पूरा जो ट्रैक्टर है उसको लेके गैराज में पार्क कर दो, क्योंकि आप खेतों में तो घुमाते नहीं हो। वंस मोर कट, मेरे को जान अपने दिमाग ठीक कर लो। ट्रैक्टर गैराज में पार नहीं होता,
अपने दिमाग को ठीक करो कि ट्रैक्टर गैराज में पार होते हैं, ट्रैक्टर तो खेत में चलता है। ठीक कर लो राकेश जी, आपने बीजेपी को परास्त करने के लिए निकले थे आप, आंदोलन भी ठीक होगा, सब ठीक होंगे, अब आप ज्ञान दे रहे हो, ठीक होंगे। अब आपने चुनावी पापड़ अपने बेल दिए सर, आप क्यों टेंशन ले रहे? नहीं हुआ बहुत जानता आगे स्वाद गजब बेइज्जती। यहाँ तो सिर्फ आप ही आप थे और आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल था और अखिलेश भैया थे, ये आपकी नैया कौन से पानी में डूब गई? मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, हम चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक लड़े ही नहीं आप। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी। अच्छा। हैं। बस हवा निकल गई। राकेश टिकैत जी बहुत बहुत स्वागत, बधाई उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है सर। अरे क्या फज्जा मुंह में, तो आप खुश हैं? आपके समर्थित सरकार है, आपके मन मुताबिक है सरकार? मैं क्या बताऊं? आपने एक बड़ा चर्चित बयान दिया था कि वोट ले गई कोको, तो आप लोग पूछ रहे हैं कोको ने वोट ले जाके भारतीय जनता पार्टी को दे दिए? क्या पता किसे दे दी, लेकिन लेकर तो गई। कोको रही तो कितने दिन फील्ड में? लेकर तो जरूर गई। राकेश जी आज कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं आप, आक्रामक रहते हैं आप तो हमेशा, क्या हो गया? देखो नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमको इलेक्शन लड़ रहे, मैं इलेक्शन हार गया कोई? मैं कहीं से इलेक्शन हार गया? इलेक्शन लड़ रहा था मैं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। ये तो मुद्दे लगा।